नमस्कार, मैं हूँ सिवाब अख्तर, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशर। इस वक्त मैं सिवान के प्रतापपुर में हूँ। ये वही गांव है जो पूरे हिंदुस्तान में, बिहार में मशहूर है। सांसद दिवंगत मोहम्मद सैयद शहाबुद्दीन के नाम से आज उनकी बेटी हेरा शहाब की शादी है, और ये मौका इसलिए है कि उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद दूसरी सबसे बड़ी खुशी है। इससे पहले पिछले महीने उनके बड़े बेटे उसामा का निकाह हुआ था, और आज उनकी जो बेटी है डॉक्टर हेरा शहाब, आज उनकी शादी है शादमान के साथ, डॉक्टर सैयद शादमान, जो मोतिहारी जिला से ताल्लुक़ रखते हैं। उनकी बारात बस कुछ पल में यहाँ पहुँचने वाली है, और उनका जो काफिला है वो सिवान शहर से होते हुए यहाँ पहुँचा है प्रतापपुर। हम आपको दिखाना चाहेंगे न्यूज़ फॉर नेशन के माध्यम से कि ये किस तरह की तैयारी है। राजशाही घराने जैसी शादी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। सबसे बड़ी खूबी यह है कि इलाके के जितने लोग हैं वो सब यहाँ शामिल है। बड़ा मजमा जो उन्होंने राजनीति के तहत अपने साथ जोड़ा था, शायद वो आज यहाँ देखने को मिलेगा। लोग हर तरफ से आ रहे हैं, शायद उनकी जो राजनीति विरासत थी उनको संभालने में उनके बड़े बेटे कामयाब हुए हैं, और सब उनके साथ इस वक्त खड़े हैं। और जिस वक्त उनका इंतकाल हुआ था, यानी जब वो देहांत कर गए थे, उस वक्त भी पूरा ज़िला और उनकी पार्टी के जो लोग थे वो उनके साथ खड़े थे। और हम इस वक्त उसी गेट पर है जहां से ये रास्ता उस हॉल को जाता है जहां वीआईपी और आम लोगों के लिए खाने का इंतज़ाम किया गया है। बड़े बड़े शहरों से लोग बुलाए गए हैं, और तकरीबन 500 ऐसे बावर्ची है जो खाने बनाने में पूरी तरह माहिर हैं, उनका इंतज़ाम है यहाँ पर, और तरह तरह की डिशें तैयार की गई हैं। ये रास्ता उस गली से उनके नए घर के नए आवास की तरफ जाता है, और यहीं से बारात दाखिल होगी डॉक्टर सैयद शादमान की। और बड़ी तादाद में मेहमान यहाँ मौजूद हैं, और जो राजनीति उनके चाहने वाले हैं, राजनीति में जो उनके जानने वाले लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, वो भी सब यहाँ धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव यहाँ आए थे, और उन्होंने मुबारकबाद देकर के घर के लोगों से मुलाकात कर जो है वो अभी थोड़ी देर पहले लौटे हैं, और अब बारात बस थोड़ी ही देर में यहाँ आने वाली है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि मेहमानों के लिए कैसा इंतज़ाम किया गया है और कैसी तैयारी है यहाँ इस घर में। पहली खुशी है, बड़ी खुशी का मौका है। हालांकि इससे पहले उनके बड़े बेटे का निकाह हुआ था, लेकिन उसमें चुनिंदा ही लोग थे, फैमिली के लोग थे, और कुछ राजनीति के जो लोग हैं जो उनकी पार्टी से जुड़े हुए हैं, आरजेडी के। और यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये उनका पुराना घर है, पैतृक जो घर है उनका, वो यहाँ पे बड़ी सी एलईडी लगी हुई है, और यहाँ पर स्वागत को लेकर के सारी चीज़ें जो हैं वो आपको देखने को मिलेगी। अब जो है राजनीति विरासत उसामा शहाब के हाथ है, और उनकी जो माँ है हिना उनके हाथों में है, और उनके बड़ी बेटी की आज हेरा शहाब की शादी हो रही है मोतिहारी के डॉक्टर शादमान के साथ। तो वो बारात बस थोड़ी ही देर में आने वाली है। हालांकि इलाके के जो कुछ लोग थे वो खाने का लुत्फ लेकर के लौट चुके हैं, और ये सामने का जो दृश्य है वो देखने के लायक है। आप यहाँ देखिए, बेहतर इंतज़ाम यहाँ किया गया है लोगों के लिए। एक नया हॉल इधर से बनाया गया है जहां महिलाएं जा रही हैं, और पुरुषों के लिए अलग से एक एंट्री गेट है। और आप जब यहां से शाही तरीके की जो है वो सजावट है यहां पे, शाही सिस्टम से जो एक बड़े घराने में लोगों की राजनीतिक तौर पर जो लोगों की शादी होती है उस तरह का इंतज़ाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ से आप जब सीधा एंट्री करेंगे करके घर के लोगों से मुलाकात कर जो है वो अभी थोड़ी देर पहले लौटे हैं, और अब बारात बस थोड़ी ही देर में यहाँ आने वाली है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि मेहमानों के लिए कैसा इंतज़ाम किया गया है और कैसी तैयारी है यहाँ इस घर में। पहली खुशी है, बड़ी खुशी का मौका है। हालाँकि इससे पहले उनके बड़े बेटे का निकाह हुआ था, लेकिन उसमें चुनिंदा ही लोग थे, फैमिली के लोग थे, और कुछ राजनीति के जो लोग हैं जो उनकी पार्टी से जुड़े हुए हैं, आरजेडी के। और यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये उनका पुराना घर है, पैतृक जो घर है उनका, वो यहाँ पे बड़ी सी एलईडी लगी हुई है, और यहाँ पर स्वागत को लेकर के सारी चीज़ें जो हैं वो आपको देखने को मिलेगी। अब जो है राजनीति विरासत उसामा शहाब के हाथ है, और उनकी जो माँ है हिना उनके हाथों में है, और उनके बड़ी बेटी की आज हेरा शहाब की शादी हो रही है मोतिहारी के डॉक्टर शादमान के साथ। तो वो बारात बस थोड़ी ही देर में आने वाली है। हालांकि इलाके के जो कुछ लोग थे वो खाने का लुत्फ लेकर के लौट चुके हैं, और ये सामने का जो दृश्य है वो देखने के लायक है। आप यहाँ देखिए, बेहतर इंतज़ाम यहाँ किया गया है
लोगों के लिए एक नया एक सिस्टम, एक नया हॉल इधर से बनाया गया है, जहां महिलाएं जा रही हैं और पुरुषों के लिए अलग से एक एंट्री गेट है। और आप जब यहां से शाही तरीके की जो है वो सजावट है यहां पे शाही सिस्टम से, जो एक बड़े घराने में लोगों की राजनीतिक तौर पर जो लोगों की शादी होती है उस तरह का इंतज़ाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा।